Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. Tech Dinner Quiz में आपका स्वागत है. आइए दोस्तों, पता नहीं मैंने कितने बार बोला लेकिन आज भी बोलेगा, ये मेरा फेवरेट पार्ट है डे का, मेरा फेवरेट वीडियो है, हमारे चैनल की जान है ये. जो टेक न्यूज़ मैं आपको डेली देता हूँ उस पर जो एंगेजमेंट्स आती है, जो लोग आप कमेंट्स करते हैं, इतने सारे लाइक्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. बहुत बहुत शुक्रिया. कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई वीवो, शाओमी, ओप्पो, रियलमी अगर 50,000 रुपये के ऊपर कोई फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करते तो क्या आप परचेस करेंगे नहीं करेंगे. ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं करेंगे. ये रिजल्ट था जो मुझे लगा कि जनता जो बोलती है वो उनकी जो ओपिनियन होती है ना वो बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और ये फीडबैक जो है ये ब्रांड की तरफ जाना चाहिए और उनको भी पता नहीं सुनना चाहिए कि क्या चेंजेस उनको और करना चाहिए ताकि लोग उनके फ़ोन्स परचेस करें. वैसे आज हमने एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किया है, जाइए वीडियो को देखिए, सपोर्ट करिए. बस मैं फिर से एक बार कहूंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने न्यू स्टूडियो के लिए. उसके अलावा बन रहे ना, फर्स्ट लुक आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा. लाइक करिए, 20,000 लाइक, ज़्यादा नहीं मांगता आपसे, 20,000. फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं. पहली खबर की शुरुआत करते हैं इंडिया से. महंगाई को लेकर फिर से एक बुरी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि अब से आप फ्यूचर में जब इंडिया में फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स परचेस करने के लिए निकलेंगे तो पहले से प्राइस अब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी. जो टीपी थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है उसमें हाइक देखने को मिला है, उस चक्कर पे गाड़ियों की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी. अब ये धीरे धीरे होगा और पहले से अब जब आप गाड़ियां या टू व्हीलर्स वगैरह परचेस करने निकलेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्राइस बढ़ चुकी है. तो हर सिनेरियो में, हर कैटेगरीज पे प्राइस बढ़ रही है. अब गाड़ियां ही बच गई थी जो यहाँ पर बताया जा रहा है. जैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या आप अभी कोई गाड़ी या टू व्हीलर्स वगैरह ओन करते? मेरे पास सिर्फ एक एक्टिवा है, एक मेरी, एक मेरे भाई की, गाड़ियां मेरे पास नहीं है. आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें. Vivo V25 Pro, Vivo V23 Pro हाल ही में आया था. Dimensity 1300, 44W चार्जिंग, बड़ी बैटरी, 108 मेगापिक्सल कैमरा वगैरह वगैरह. फोन अच्छा होता लेकिन प्राइस ज्यादा होती है. अब V25 Pro ऑनलाइन लिस्ट हुआ है, ये भी कुछ महीनों में आ सकता है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है. इंडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि जुलाई के आसपास होगा. नॉट सरप्राइज्ड क्योंकि ये सारी ब्रांड्स दो दो तीन दिन महीने में अपने सक्सेसर लेके आती है. ओप्पो हो, रियलमी हो, शाओमी हो वगैरह. देखते हैं वीवो V25 Pro. वैसे वीवो के फोन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, मिड रेंज फोन्स के बारे में कमेंट में जरूर बताना. रियलमी ने दोस्तों आज फाइनली चाइना में उनके रियलमी पैड एक्स 5G को लॉन्च कर दिया. एकदम सरप्राइज्ड हो गए हम क्योंकि ये टैबलेट में स्नैपड्रैगन 870 नहीं है, ये बजट वाला लॉन्च कर दिया उन्होंने जो 15,000 से स्टार्ट होता है, 464, इसमें स्नैपड्रैगन 695 है 5G चिपसेट. बाकी 11 इंच की आपको एक IPS डिस्प्ले 60Hz वाली, उसके अलावा 13 का रियर, 8 की सेल्फी, 8,340 mAh की बैटरी, 33W चार्जिंग वगैरह वगैरह. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वो बहुत, जब बड़ी बड़ी बात किए थे कि किंग ऑफ टैबलेट्स ये वो, तो वो स्नैपड्रैगन 870 वाला वर्जन होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं, ये तो बजट टैबलेट लॉन्च कर दिया है. अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया में आएगा क्योंकि इंडिया की BIS इस पर भी लिस्ट हुआ था, हो सकता है 15 से 20 के बीच में हमें इंडिया में मिल जाए. मोटो रेजर 3, मोटोरोला का थर्ड जनरेशन फ्लिप फोल्डेबल फोन जो बोल रहे हैं कि जुलाई में लॉन्च होगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ. इसके अब जिफ इमेज, स्मॉल पार्ट ऑफ वीडियो आप बोल सकते हैं, वो यहाँ पर लीक हुआ है जिसमें आपको सामने पंच होल है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, और जब ये बंद होता है फोन तो पीछे देखेंगे डिस्प्ले थोड़ा पहले से लग रहा है कि बड़ी हो चुकी है, और पीछे भी थोड़ा सा उन्होंने ग्लास फिनिशिंग वगैरह अच्छा दिया है. तो इस तरीके से कुछ थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप नॉच होगी इस बार क्योंकि पिछले बार जो प्राइस थी उस हिसाब से चिपसेट काफ़ी ठीक ठाक थी. अब देखते हैं कि ये लोग क्या इंप्रूवमेंट्स लाते हैं और साथ में प्राइस क्या होती है, जुलाई के आसपास ही पता चलेगा. इंडिया में दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ समय में Redmi 10 Prime Plus 5G, वाह Xiaomi, सल्यूट करते हैं, ये वाला फोन लॉन्च हो जाएगा जो बेसिकली Redmi Note 11e 5G जो था उसका रीब्रांड होगा. हाउएवर Poco M4 5G उसका रीब्रांड होकर इंडिया में आ चुका है, बट हमें पता है कि वापस से हमें Redmi 10 Prime Plus 5G भी देखने को मिलेगा जो अंडर 15,000 होगा, Dimensity 700 वगैरह वगैरह. देखते हैं. वैसे मैं क्या बताऊं Xiaomi के बारे में कि इतना रीब्रांड हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि फोन कौन सा क्या ले और कब ले. इसके बारे में कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताओ. कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू यहां पर मिला है यूता हेल्थ को. उन्होंने बताया कि पानी के अंदर जो कोरल होते ना, सॉफ्ट कोरल जो होते हैं, वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिससे कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है. ये बहुत बड़ी बात है, मतलब नेचर देखिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है इस मामले में. जहां पर उन्होंने बताया कि बस हमें
अभी हम रिसर्च कर रहे हैं और हमें पता चल जाए कि वो केमिकल जो रिलीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या चीज है, हम वैसे ही सेम चीज लैब में उसको बना सकते हैं और फिर कैंसर को बड़े आसानी से हम ट्रीट कर सकते हैं। सोचो, कोरल जो केमिकल रिलीज करता है उससे कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। अब ये सारे जो हेल्थ रिसर्चर्स इस पर लगे और अगर इसमें अच्छा ब्रेक थ्रू मिलता है तो क्या पता फ्यूचर में कैंसर पहले से अब जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। Amazon के ऊपर अभी कल काफ़ी मस्ती मजा हो रही थी। कुछ सेलर्स जो है पता नहीं किस तरीके का नशा करते, उन्होंने जो बकेट होता है ना, बाल्टी जिसको हम बोलते हैं, वो बाबोरा वाली उठा के बाल्टी मारेगा साला पानी नहीं। 26,000 रुपये में लिस्ट हो रही थी, 26,000 रुपये में। और मग जिसको मुंबई में हम चंबू बोलते हैं, 10,000 रुपये बता रही थी, 10,000 रुपये का चंबू और 26,000 रुपये की बाल्टी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और ये भी ऑफर लगाकर, वरना और महंगे थे। ये देखकर किसी ने ट्विटर पे ट्वीट तो किया, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने उसको ट्रोल किया, मतलब उस बाल्टी को। हो सकता है कि इस बाल्टी में पानी भरो, क्या पता वाइन बाहर आ जाए। किसी ने ये भी बताया कि क्या पता महंगाई बढ़ी है, हो सकता है फ्यूचर में 25,000 में बाल्टियां भी मिलना शुरू हो जाए। बट ऐसा कभी हो तो ये ग्लिच होता है या पता नहीं, न जाने वो लोग फ्रॉड भी करते हो, बट आपको बचना है। बहुत सारे लोग जज्बात में आके ले लेते, बट कौन लेता होगा। व्हाट्सएप की तरफ से एक बहुत ही डेंजरस खबर आ रही है, इससे आपको बचना है। मैं अक्सर अपने टेक न्यूज में आपको बीच बीच में स्कैम्स फ्रॉड से अलर्ट करता रहता हूं। ये वाला इंडिया में बड़े आम हो रहा है, अभी ध्यान रखना है। पहले तो आपको फोन आएगा और फोन पर आपको इस तरीके से ट्रिक किया जाएगा, वो आपको आपके फोन में एक नंबर डायल करने को बोलेगा और अगर आपने ये नंबर डायल कर दिया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट वो टेक ओवर कर देगा। आपने बिल्कुल सही सुना। अब वो कैसे करेगा ये वही जानता है, सिर्फ एक नंबर डायल करने से। फिर आप लॉग आउट हो जाएंगे और उसके बाद वो बहुत सारे कांड कर सकता है। ऐसे ही वो आपके फोन में जब आपका व्हाट्सएप टेक ओवर कर लेगा, दूसरे लोगों को भी मैसेज करेगा और बहुत सारे उनके भी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। तो रिक्वेस्ट करते, कहीं से भी कॉल आए, कोई भी कुछ भी बोलता है, किसी की भी बात पर यकीन मत करिए, फोन कट कर लीजिए, एंटरटेन किसी को भी मत करिए, ये बचिएगा। ये फ्रॉड अभी बहुत आम हो रहा है, अलर्ट रहिए। एप्पल की तरफ से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ये अब सच है झूठे मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बोल रहे कि एप्पल को आईफोन 14 सीरीज जो है उनके प्रोडक्शन में कुछ इशू हो रहा है, क्योंकि चाइना में वैसे भी अभी आपको पता है ना कोविड के लफड़े चल रहे हैं और उधर क्या होता है पूरी दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं चलता है, वो ऐसी आइसोलेशन जोन में रहता है जैसे कि नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जाम्पल। अब एप्पल को वहाँ पर प्रोडक्शन में इतना इशू हो रहा है कि वैसे भी वो बाहर आने की सोच रहा, लेकिन इतना जल्दी तो आ नहीं सकते। तो आईफोन 14 सीरीज जो है वो हमें शायद लेट देखने को मिल सकती है या कुछ उसमें जो मॉडल्स है वो कैंसिल हो सकते हैं, या हो सकता है सिर्फ आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स आ जाए, पहले वाले सब कैंसिल हो जाए, या इस सिर्फ एक फोन आ जाए। ऐसी बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि एप्पल बड़ा परेशान हो रहा है। वैसे अगर ऐसा हो गया, कैंसिल वैंसिल हुआ, तो सैमसंग तो दूसरी तरफ भांगड़ा करेगा, भांगड़ा से एक तरफ 4G नाक में दम करके रखा है ये टेलीकॉम कंपनीज, आज ने तो कल प्राइस बढ़ा रही है, 5G की आस लगा लगा कर हम थक चुके हैं, और तीसरी तरफ 6G हमारा खून खोलवाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी नोकिया वाले ने बोला है कि मैं 2030 तक 6G लाएगा, इंडिया में भी लाएगा। 2025 से बोला काम चालू कर देगा, ये सब होगा, और 2030 को तो हम यूं फेंक देगा आपके सामने 6G को। अब ऐसे सैमसंग हुआ, वे बड़ी बड़ी कंपनीज ने बोला 2028 तक हम चालू कर देगा, और नोकिया वाला बोला हम भी करेगा। मैं नोकिया को एक ही सजेशन देते हैं, तो पहले फोन पर काम कर, उसके बाद 6G की बात कर, समझा ना। Xiaomi Pad 5 मुझे लगता है कि इंडिया में ये वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है अंडर 25,000 की रेंज में। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि Xiaomi अपने Pad 6, Pad 6 Pro और Pad 6 Pro 5G इन पर यहाँ पर जो वो काम कर रहा है, ये ऑनलाइन लिस्ट हुए थे, बाकी अब इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और इस बार बताया जा रहा है कि Xiaomi Pad 6 को भी इंडिया में लॉन्च करेगा, क्योंकि Pad 5 उनका काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और होना भी चाहिए, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, ज़बरदस्ती के किसी को क्रिटिसाइज करके मतलब नहीं है। वैसे आप बताइए दोस्तों कि आपने Xiaomi का Pad 5 परचेस किया है और उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है। वैसे वीडियो देखना तो यहाँ पर कार्ड देता हूँ, हमने अनबॉक्सिंग किया था, ज़रूर देखना। क्या आपको बताया दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बैट चिमगाडर जो उल्टा लटका हुआ रहता है ना, ये किधर है और कितना बड़ा होगा आपको बताया, फिलीपींस में देखा गया था, इसको नाम दिया गया है गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स। ये इतना बड़ा है, आप देखो उल्टा लटका हुआ, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान लटका हुआ है, और ये जब अपने पंख यूं लहराता है ऐसे खोलता है तो वो 6 फीट लंबे होते हैं। क्या क्या होता है दुनिया में वो आप देख सकते हैं। आज के दिन से खत्म होती भी करता, आपको आज के दिन पसंद आएगी पसंद, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।